ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण श्री कोटि रुद्र संहिता प्रथम भाग। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, जिन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्मज्ञानानंद के रूप में देखते हैं, उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैलराज पुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव मेरा नमस्कार है। जिनका कृपापूर्ण चितवन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्जवल करती है, जो त्रितापों आधि भौतिक आधि दैविक तथा आध्यात्मिक को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरिजानंदिनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेज पुंज सबका मंगल करे। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोक हित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई हैं। शिव जी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने, आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ व प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्नों को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी भगवान शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी की उत्तम कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है, उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंगों की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुश्मेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन व उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं एवं मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त भोगों को भोगकर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु तथा अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है, यह पापों का नाश करता है। भीमेश्वर उपलिंग भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और सोहा पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है और रामेश्वर में घुश्मेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों के बारे में बताया। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी
भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका मासेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं तिल भांडेश्वर, दशाश्व मेध, गंगा सागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित है। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा जप्पेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार तृप्तका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, कुंजेश आदि शिवलिंग स्थित है। दशाश्व मेध नामक तीर्थ जो प्रयाग में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है और यहाँ पर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्म तेज वर्धक, भारद्वाजेश्वर, शूल टंकेश्वर एवं माधवेश्वर लिंग यही स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग स्थित है, जो भक्तों को सुख देने वाला तथा अभीष्ट को पूर्ण करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित है। कामेश्वर, शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश आदि लिंग स्थित हैं। भूत पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर व धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध है। चंद्रेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्जवल है। इसके अतिरिक्त विश्वेश्वर, विद्वेश्वर, कर्दमेश, कीटीश, नागेश्वर, अनंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटेश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक चंगीश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा मत्तगयंद शिवलिंग स्थित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित है, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनुसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनुसुईया का क्या संबंध है, इस विषय में हमें बताइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ इसी स्थान पर निवास करते थे। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति
देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनुसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनुसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती, कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाए और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनुसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी रही। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस प्रकार वे भी शिव जी की आराधना में लीन हो गई। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनुसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी ने वही निवास किया। गंगा जी बोली कि देवी अनुसुईया का हित किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनुसुईया भी अपने वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनुसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रही। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि से जाग कर अनुसुईया से कहा, देवी मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनुसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनुसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनुसुईया के सामने आकर बोली, देवी आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनुसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं? अनुसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगू क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनुसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दे। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति परायणे आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेशानुसार देवी अनुसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनुसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती पतित पाविनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए। जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन ना कर ले, आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनुसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट आई। वहाँ आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूल हीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है।
तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, जब अब तक वर्षा नहीं हुई है तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनुसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी है और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। यह बताकर अनुसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गई। वहाँ महर्षि अत्रि ने सपत्नी श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते, यहाँ विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनुसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम एक वर्ष तक की गई शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनुसुईया ने एक वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनुसुईये, मैं आपके लोकहित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए एवं उनका विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनुसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो आप देवी पार्वती सहित यही निवास करें, ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनुसुईये व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गईं। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कालंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग है जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। आत्रेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी है। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीश्वर, मंडलेश्वर एवं तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग है। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधुरेश्वर, शालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर व नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग भी सभी कामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदिकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदिकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे करणी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और दो पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए, तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी चले गए। कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई।
जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस घर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी थी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना तथा मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवार्ग माता के लिए पानी लेने गया, उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सुवार्ग ने उनकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात गिर आई। तब सुवार्ग ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवार्ग भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहाँ उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। सूची बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवार्ग ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की यह बातें सुवार्ग ने सुन ली थी। यह सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियाँ लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातः काल होने पर सुवार्ग वहाँ का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र को दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सींगों का प्रहार लड़के की बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पथिक सुवार्ग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुवार्ग को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहाँ से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवार्ग ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात
वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक युवती दिखाई दी जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूं। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती है। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यही प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्ध्यान हो गई। सुवाद पुनः नर्मदा नदी की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सदगति प्रदान कर दी है। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वह ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती है? वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमका कर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिवजी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी और शिवजी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्तवत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिव जी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिव जी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आईं और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहां भगवान शिव का निवास होता है वहां मेरा आगमन अवश्य होता है, इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरा यहां आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वहां आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है
जिसके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग है जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है, इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तीर्थ में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त, अग्नि और पितृ इसके दक्षिण दिशा से दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुण देव, गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका दर्शन व भ्रमण करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी एवं भूत प्रेत, पिशाच इसका दर्शन उत्तर दिशा की ओर से करते हैं। सब देवता, पितृ, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किंग पुरुष, गुहा, खग, बैताल, बलि, दिति के दैत्य पुत्र, मुनिगण एवं सर्प अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवादिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ स्थापित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधन किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चंडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चंडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चंडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वैश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वहां जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था, तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चांडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं भटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वे यह कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारिन ने उसे छूकर देखा तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी।
उस चांदालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांदालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सद्गति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता व भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्र से है तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुमठ नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोईये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी कर ली। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्र सह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दे, यह अपराध मैंने नहीं किया है। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोईये का है जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोईया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। उस श्राप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था, तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था में एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दो, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को श्राप देते हुए बोली, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को श्राप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को श्राप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ। वहाँ गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहाँ महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहाँ जाकर शिव जी की आराधना करो
तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चला गया। वहां उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित है, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यहीं पर निशर्षी नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं, तो उनकी सभी कामनाओं को कल्याणकारी भक्तवत्सल शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक एक पवित्र पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और कलेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अध्यापह नामक शिवलिंग है। इसके दर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अभीष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित है और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिव प्रिया देवी पार्वती जी को वाण रूप कहे जाने का कारण भी सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां पहुंचे, जहां ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। तब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहां हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथा अनुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने
दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे विचार कहे हैं। इसलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप धारण करें तथा शिवजी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापित करो, फिर उसमें दूर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात शत रुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को वाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कह सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर भगवान शिव ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। जब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए, वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवादिदेव कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बात मानते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए हैं, जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी टुकुला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके चार पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा।
शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवजी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। जब मुनि दधीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो, इसकी बुद्धि को सही कर दो, इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुदर्शन ने शोरशोपचार से शिव जी का पूजन किया जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का मटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन मटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी मोहिनी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह आपसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार करते हैं। एक पत्नी से प्रेम और अन्य से प्रेम ना करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी यह देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव
प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। हर माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिवजी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिवजी सोमेश्वर कहलाए व संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं, तो क्रोधवश कार्तिकेय वहाँ से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव जी अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ वहाँ पधारे, तो कार्तिकेय को ना देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव व पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। देवाधिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्निहोम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे।
इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु नाम के चार पुत्र थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास ही में रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर भूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्यों और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन भूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को ना माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव है, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। यह कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवाधिदेव, कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं, तो हम पर कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाए और आपके दर्शन की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरांगिणी सेना से घिर गया, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवाधिदेव महादेव जी का पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मग्न था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर आ गई, तब
वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजन करने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहां से बालक को खींच कर ले आई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिवजी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में जहाँ रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थित था पाया। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वह बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है तब उनके शत्रुओं को यह समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, इसलिए हम उसे कभी जीत नहीं सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर कर दिया है। इस लोक में सभी सुखों को भोगकर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आठवां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गया। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त है, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व व पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान है, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल में ओंकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग
स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिव जी के चरणारविंदों के ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जाननी चाही। शिव जी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक है। ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं, तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवाधिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकर या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहां का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण और करकटी राक्षसी का पुत्र था। वह करकटी अपने पुत्र भीम के साथ स्वह पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, माताजी, मेरे पिताजी कौन है और कहाँ है? हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए करकटी बोली, पुत्र भीम, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पूर्व में मैं विराट राक्षस की पत्नी थी, जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी।
एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने श्राप द्वारा उन्हें भस्म कर दिया था। मैं पुनः अकेली रह गई। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहीं पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई थी और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु से द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने उनसे बदला लेने की ठान ली। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीम बोला, हे पिता, मैं यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे महाबली होने का वर प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर भीम अपनी माता के पास आया और बोला, माता, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण के वध का बदला ले लूंगा। यह कहकर भीम वहां से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने कामरूप देश के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया, उसे जीतकर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा दुखी था। उसने जल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया और विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुनः वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस से दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव लिंग की विधि विधान से स्थापना कर उसकी स्तुति आराधना की। भगवान शिव उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के वचन सुनकर देवता सहर्ष बोले कि भगवन, भीम नामक उस असुर ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। आप उसका वध करके हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएं। देवताओं को इच्छित वर प्रदान कर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और जाकर राजा को भी सूचना दी कि भगवान जल्दी ही तुम्हारे शत्रु भीम का नाश कर तुम्हें मुक्त करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इधर जब दानव भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा कैद खाने में कोई अनुष्ठान कर रहा है, तब वह क्रोधित होकर जेल खाने में पहुंचा। भीम राजा से बोला, हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है? बता, अन्यथा मैं अपनी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उसके अन्य राक्षस सैनिक राजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे देवाधिदेव, कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए उस पर झपटा। एकाएक वह तलवार शिव जी के पार्थिव लिंग पर पड़ी और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार के दो टुकड़े कर दिए। फिर उनके गणों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध से धरती और आकाश डोलने लगा। ऋषि तथा देवता गण आश्चर्यचकित रह गए। तब
भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियां नष्ट हो गई जो अनेकों रोगों का नाश करने वाली थी। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए और संसार में भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह लिंग सदैव पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। श्री कोटि रुद्र संहिता प्रथम भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।